ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज किस नए वीडियो में हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप के न्यू BGMI फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पिंजेस का मैं यूज़ करूँगा, जिन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। सो गाइस, आप सभी से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि गाइस इस फोटो में जो हमारी कलर करेक्शन का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गाइस वो वाला पार्ट जो है आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि गाइस जब तक आप वाला पार्ट एकदम ध्यान से नहीं देखोगे तो आप सेम फोटो एडिट नहीं कर पाओगे, तो गाइस वाला पार्ट जरूर देखना। बाकी गाइस, अगर अभी तक आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइज, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली डाउनलोड कर लेना। देन जाइए गाइज, आपको जाना ऐड फोटो में, गाइज यहाँ से आप सभी को ऐड करना अपने मॉडल को। गाइज मॉडल को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है गाइज, आपको थोड़ा सा मतलब किसी पत्थर वत्थर के ऊपर आपको फोटो मतलब अपने पैर रख के आपको वहाँ फोटो क्लिक करवाना है, या फिर आपको मैंने यहाँ पे एक पहले से ऐड करके दे रखा है PNG, तो आप इसमें भी ऐड कर सकते हो अपने मॉडल को। तो आपको बैकग्राउंड रेज करते वक्त आपको जो मतलब कि पत्थर होगा उसको रेज नहीं करना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फिर आपको इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है इरेजर टूल में, जिसके बाद आपको नीचे वाला जो एरिया है आपको यहाँ से सिंपली कुछ स्टेप से इरेज करना है, एंड गाइस उसके बाद आपको उसकी ओपेसिटी हार्डनेस कम करना है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ स्टेप से जो है आपको इरेज कर लेना है, ठीक है। एंड ये गाइस आपको इसलिए करना है क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको एक तो यार आपको जो मतलब कि फुट के तरफ से जो है आपको बैकग्राउंड इरेज नहीं करना पड़ेगा, एंड यहाँ से गाइस आपको जो काम है थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करना है। देन गाइस, अगर आप मैं मतलब कि मेरे फोटो की जो यहाँ पे थोड़ी सी मतलब कि एडजस्टमेंट थोड़ी कम है, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा अपन शेडो वगैरह बढ़ा लेता हूँ, तो गाइस यहाँ पे तो नहीं हो पा रहा है, बट हम इसे लाइट में अपन पूरा फिक्स कर लेंगे, तो अभी हम यहाँ पे फिलहाल छोड़ देते हैं। तो गाइस आपको क्या करना जाना, आपको ऐड फोटो में गाइस यहाँ से आपको जो AKM गन है आपको उसकी PNG लेनी है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे मतलब कि कुछ इस टाइप से लगाना है। एंड गाइस हम PUBG की फोटो एडिट कर रहे हैं, तो यार आप में से कोई भी भाई PUBG लवर हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अभी हम इसको लगाते हैं PNG को, आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स रखने के बाद आपको ओपोसिटी कम करके इरेजर की हार्डनेस फुल करके आपको कुछ स्टेप्स ऐसे इरेज करना है, एंड आपको अपने हैंड के ऊपर कुछ स्टेप्स से लगाना है। तो गाइस मैं इसको फटाफट यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। सो गाइस इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जो गाइस मतलब कि जो हाथ में जो एक पत्थर को थ्रो कर रखा है हिम्मत भाई ने, आपको सिंपली इसको रिस करना है, ठीक है। मतलब आप भी अगर कुछ ऐसा कुछ रखते हो तो आपको भी रिस कर लेना है। देन आपको क्या करना है, आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में, गाइस आपको एक ग्रेनेड का PNG में गाइस दे दूंगा, तो आपको सिंपली इसको ऐड कर लेना है। एंड इसको आपको कैसे ऐड करना है, आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जो है मतलब छोटा साइज करके आपको अपने हैंड के पास कुछ स्टेप से ऐड कर देना है, तो मैं इसको कर लेता हूँ फटाफट। सो गाइस इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना है आपको एक वाला PNG ग्रास का PNG, एंड इसको ऐड करने के बाद आपको कुछ स्टेप्स ऐसे रख देना है, एंड इतना कर देने के बाद आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पर अपनी फोटो को सेव कर लेना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ से चलना है लाइट रूम में अपनी फोटो को लेके। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना से एडजस्टमेंट में लाइट वाला ऑप्शन में, आपको यहाँ पर थोड़ा सा गाइस यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है जिसको कम करना है, हाईलाइट है जो गाइस को थोड़ा कम करना है, एंड जो गाइस यहाँ पर शेडो है उसको इंक्रीज कर देना है। देन गाइस आपको यहाँ पे मिलेगा व्हाइट, आपको उसको थोड़ा कम करना है, एंड यहाँ पे मिलेगा आपको ब्लैक, आपको उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, एंड जाना आपको कलर्स वाले ऑप्शन में। फिर यहाँ पे गाइस आपको वाइब्रेशन बढ़ाना है, थोड़ा सा टेम्परेचर जो फोटो का वो कम करना है, एंड जाना आपको कलर मिक्स में। कलर मिक्स में जाने के बाद आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको थोड़ा माइनस करना है, एंड जो ल्यूमिनस अपने फेस के अकॉर्डिंग बढ़ा देना है। देन गाइस जाना आपको येलो कलर में, एंड आपको गाइस यहाँ पे आपको चेंज कर लेना है, अगर आपको कुछ और बैकग्राउंड में कलर रखना हो तो रख सकते हो। देन आपको सैचुरेशन बढ़ा देना है, एंड जाना आपको नीचे एक ब्लू कलर में आपको सैचुरेशन कम करना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको उसको सैचुरेशन को जितना रखना है, एंड उसके बाद कर देना है डन। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी बढ़ाना है, एंड उसके बाद गाइस फोटो में विग्नेट डाल देना है हल्का सा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे स्क्रोल करना है, एंड नीचे स्क्रोल करने के बाद आपको मिले ग्रेन माउंट आपको उसको बढ़ाना है, एंड उसके बाद आपको जाना है नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में थोड़ा सा नोट रिडक्शन डालना है, एंड इसके नीचे मिले आपको कलर नोट रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना,
बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।